आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन दिया गया है इफ अ वोल्टेज v इज अप्लाइड अक्रॉस द बल्ब्स इन सीरीज देन ऑप्शन 1 द वोल्टेज अप्लाइड इज डिवाइडेड अमंग द बल्ब्स ऑप्शन 2 द सेम करंट एग्जिस्ट्स इन ऑल द बल्ब्स ऑप्शन 3 द सेम वोल्टेज एग्जिस्ट इन ऑल द बल्ब ऑप्शन फोर द करेंट इज डिवाइडेड एमंग द बल्ब्स तो पहले तो कहा गया है कि सर्किट में जो भी बल्ब्स है वो सीरीज में है और वोल्टेज भी अप्लाई किया गया है तो इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं सर्किट डायग्राम बना लेते हैं तो कैसा होगा बल्ब्स कुछ ऐसे होंगे और इससे जुड़ा होगा जो बैटरी है वो जुड़ा होगा अब करंट आएगा यहाँ करंट आएगा ऐसे यहाँ पर करंट आ जाएगा तो ये जो आई करंट है ये पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है ये आई करंट पहले इस बल्ब नंबर वन से जा रहा है फिर ये आई करंट बल्ब नंबर टू से जा रहा है फिर ये आई करंट बल्ब नंबर थ्री से जा रहा है तो ऑप्शन टू जो है द सेम करंट एग्जिस्ट इन ऑल द बल्ब ये वाला सही है क्योंकि तीनों बल्ब में से सेम करंट आई जा रहा है तो ऑप्शन टू तो पहले सही हो गया अब ऑप्शन फोर जो है द करेंट इज डिवाइडेड अमंग द बल्ब तो ये सीधे सीधे गलत हो गया क्यों गलत हो गया क्योंकि ये जो ऑप्शन फोर है ये ऑप्शन टू को कंट्रेडिक्ट कर रहा है तो ऑप्शन फोर गलत हो गया अब ये देखना है कि वोल्टेज कैसा है तो आ, अगर ब, अगर बल्बस के पावर अलग हुए अगर बल्बस के पावर अलग हुए लेन तो इसका पी टू इसका पी थ्री इसका तो और कंडीशन है कि पी वन पी टू और पी थ्री इक्वल नहीं है तो क्या होगा तो इससे हमें क्या मिलता है वो देखते हैं तो पहले तो हमें पता है कि पावर जो होता है वो क्या होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट करेंट तो इसलिए क्या हो गया P1 हो गया V1 I, P2 हो गया V2 I, और P3 हो गया V3 I है ना तीनों में I है क्योंकि तीनों बल्ब में I करंट जा रहा है पर V1, V2, V3 को हमने हमने अलग से लिया क्यों? क्योंकि P1, P2 और P3 थ्री इक्वल नहीं है अब अगर हम इस इस चीज को इस चीज को इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या मिलता है ये देखते हैं तो P1 वन इज नॉट इक्वल टू पी टू पी वन इज नॉट इक्वल टू पी टू इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा हमारे पास पी वन इज नॉट इक्वल टू पी टू तो वी वन आई इज नॉट इक्वल टू वी टू आई तो यहाँ से क्या मिल गया हमें वी वन इज नॉट इक्वल टू वी टू सिमिलरली अगर हम पी टू इज नॉट इक्वल टू पी थ्री करें तो क्या मिलता है हमें वी टू इज नॉट इक्वल टू वी थ्री तो यहाँ से हमें फाइनली क्या मिल रहा है यहाँ से हमें फाइनली मिल रहा है वी वन इज नॉट इक्वल टू वी टू इज नॉट इक्वल टू वी थ्री और वी वन वी टू वी थ्री क्या है वी वन वी टू वी थ्री फिर वी आई इज वोल्टेज वोल्टेज एक्रॉस द आइथ बल्ब तो V1, V2, V3 टू वी थ्री इक्वल नहीं है तो ऑप्शन थ्री जो है सेम वोल्टेजिस्ट स्नॉल भी है गलत हो गया ऑप्शन वन थ्री गलत हो गया अब ऑप्शन वन जो है वो क्या हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा क्यों करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अगर बल्ब वन में V1 वन वोल्टेज है बल्ब टू में V2 टू वोल्टेज है और बल्ब थ्री में वी टू वी थ्री वोल्टेज है तो इनको एड होके क्या होना पड़ेगा इनको एड होके टोटल वोल्टेज जो बैटरी का है वो होना पड़ेगा वी है ना तो v हमारे पास क्या वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन फाइनली सही हो गया ऑप्शन वन और ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शन से लेकर नीट आई आई टी जी मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर